अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सर वसी हैदर और इस वक्त हम एक नए सवाल के साथ अपनी बात का आगाज कर रहे हैं। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल का किसी भी मुल्क के अंदर और उस मुल्क के रहने वाले एक एक शहरी के ऊपर एक बहुत ज्यादा गहरा असर हो जाता है। ठीक है जी, उसका इस गहरे असर का अंदाजा आप किस बात से लगा सकते हैं? आप अपने और शेखों के जो अरबी शेख हैं हमारे सऊदी अरब या दुबई या इस तरफ के जो लोग हैं, इन लोगों की जिंदगी देखी और अपनी जिंदगी देखी, यकीनन आपको फर्क नजर आएगा। वो लोग हमसे बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसकी वजह उनकी कोई कड़ी सख्त मेहनत नहीं है, बल्कि रब की मेहरबानी, कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज की शक्ल। हुआ क्या कि वहां पर जो है 1948 के अंदर तेल निकलाया जी वहां की जमीन से, और वो जो अरब के बुद्धू थे, जो क्या कहते हैं फटे पुराने कपड़े उस जमाने में पहना करते थे, अचानक से उनके हालात हमने देखा कि ठीक है जी। नेचुरल रिसोर्सेज क्या करते हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेज उस मुल्क में निकले, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उनके एक एक बंदे पर, एक एक बंदे पर उनके मुल्क में असर आया, क्योंकि जाहिर है रोड अच्छे, बिल्डिंग्स अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, फैसिलिटी अच्छी, बिजली, पानी, गैस, मेडिकल, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। अगर हमारी हुकूमत के पास पैसा होगा, जितनी भी करप्ट हमारी हुकूमत होगी, लेकिन अगर हमारी हुकूमत के पास पैसा होगा, उसका असर हमारी जिंदगी पर जरूर आएगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि वो पैसा कहीं तो लगाएंगे, रोड बनाएंगे, हमारे काम आएंगे, हम रोड पर सफर करेंगे। मिसाल के तौर पर जब मैं छोटा था, अभी भी इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन बारह पहले ज्यादा छोटा था, तो ये ना अपना नागन चुरंगी पर गोल चुरंगी थी, सिग्नल थे, सिग्नल तो जब सिग्नल थे तो अब वहां रुकती थी, हम कॉलेज से वापसी जा रहे थे, स्कूल से वापसी, सिग्नल पे रुकते थे थोड़ी देर के लिए। रात को ऐसा ट्रैफिक होता था नागन चुरंगी पर, आपकी सोच। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, पुल बना दिया। यकीन का इतना मैं खुश था ना जिस दिन नागन का पुल बन के ही खुला था, बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ा हमारी जिंदगी के ऊपर। ठीक है ना, अब आपके वक्त की एग्जांपल, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले इमरान इस्माइल ने इफ्तिताह किया, तीन पुल बने, सखी हसन से आगे आता है फाइव स्टार एंड देन नाजाबाद, अब ये तीन पुल बने। मैं अपने ऑफिस से जब आपके सेंटर आता था, ठीक है ना, तो आई टुक नॉर्मली 35 मिनट्स, 35 मिनट मुझे लगते थे। व्हाट हैपेंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फ्लाईओवर्स, जस्ट 19 मिनट्स। हुआ क्या, एक हेक्टिक से बच गया, ट्रैफिक जैम से बचा, दबा के रखा एक्सीलेटर, ये फटाफट पहुंच गए। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि इसका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, तमाम चीजों का हमारी जिंदगी पर डेफिनेटली असर आता है, रिसोर्सेज का। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। हम जो अपनी बात का आगाज कर रहे हैं, वो हम क्राइसिस ऑफ एनर्जी क्राइसिस की हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो हम मुसलसल एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, ये हमें कहां से मिले? ठीक है जी, दिस इज अबाउट 1857, सन 1857 की बात है, जब हमारे आपके दादा भी जिंदा नहीं थे, मतलब पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है ना, हुआ क्या कि तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, एक वक्त अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ के बासी कौन थे, या तो हिंदू थे या मुसलमान थे, दो ही कौमें यहाँ पर मेजोरिटी थी, हिंदू और मुसलमान, और दोनों पर ही अंग्रेजों ने तकरीबन कब्जा कर लिया था। अब ये जो थे दोनों के दोनों, इन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने बोला यार ये अंग्रेज आकर बैठ गए, इनको हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, इनको हम दोनों मिलकर भगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्लान किया, ठीक है जी इनको भगाते हैं दोनों ने मिलकर, और हुआ कुछ यूं कि इन्होंने भगाया। जब इन्होंने भगाया तो प्लान बना के हमला किया, जिस दिन हमला करना था हिंदुओं ने बाजी उल्टी कर ली, नहीं हो, अचानक से वो जाकर एकदम से एक पार्टी से मिलकर दूसरी पार्टी में जाकर वो जम हो गए, और एकदम से उन्होंने अंग्रेजों को जाकर एंड टाइम बता दिया कि आप पर हमला होगा, आज तैयार हो जाए, इनसे उनको मारना ही है। तो उन्होंने हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को पिटवाया पहले तो, और वो मुसलमान हार भी गए, जो हकीकत है। लेकिन हमारी हार पर बात खत्म नहीं हुई,
ठीक है ना। अब अंग्रेज ने 1857 में पॉलिसी बनाई क्या, बरे सगीर में जहां जहां मुसलमान आबादी है उन इलाकों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना, there will be no work of development in any place where there is a Muslim majority. जहां जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है हम वहां पर कोई काम होने नहीं देंगे, अंग्रेजों ने किया। ये पॉलिसी कब तक रही, 1947 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्तानिया के हालात बहुत ज्यादा चेंज हो गए, उनसे अपना खुद का बर्तानिया नहीं समझ रहा था, तो वो बड़े शरीर पर क्या हाथ रखते हैं, ठीक है जी। उन्होंने फिर प्लान किया कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, उन्होंने खुद ही प्लान किया कि अब हम नहीं संभाल पा रहे, बस जो माल पानी यहाँ से हम जमा करके ले जा सकते हैं वो हम यहाँ से ले जाते हैं, और बाकी हम इनको तनहा या बेयारो मददगार छोड़ के हम भागते हैं इनको यहाँ से, ठीक है जी। दिस वॉज द प्लान, और यही हुआ। अब जब वो गए तो अब जब हमने देखा जिस तरह आपको कमजोर इंसानी जिस्म पर क्या होता है, कमजोर इंसानी जिस्म पर जर्सीम अटैक करते हैं, इम्यून सिस्टम देखे ना। अभी कोरोना जो चल रहा है किस पर ज्यादा अटैक करेगा, उस पर अटैक ज्यादा करेगा जो कमजोर जिस्म का, तो विटामिन सी लेते रहे, विटामिन डी 3 लेते हैं, इंशाल्लाह आपको अटैक ही नहीं करेगा। खैर आगे बात बढ़ाते हैं। तो अब अंग्रेज जब कमजोर पड़े तो हिंदू और मुसलमानों ने दोबारा अपने सर उठाना शुरू करे अपने घर, चलो जी दोबारा से पर हमला करते, और जहां मौका मिला कहीं टारगेट किलिंग वगैरह शुरू कर दी, अंग्रेजों की हालात खराब कर। अब अंग्रेजों बोला भागो यहां से। अब इनको सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू ने बोला कि भाई ठीक है जी आजादी, और मुसलमानों ने बोला हमें अलग मुल्क चाहिए, हमें इनके साथ रहना ही नहीं, हमें वी नीड अ सेपरेट कंट्री दैट इज पाकिस्तान। अब फैसला ये हुआ कुल मिलाकर के जहां पर आबादी मुसलमानों की ज्यादा है दैट इज पाकिस्तान, जहां पर हिंदू ज्यादा है दैट इज हिंदुस्तान। और फिर उसके अंदर भी हमारे साथ बहुत ज्यादा बीमारियां हुई, यही वजह है कि हैदराबाद दक्कन मुस्लिम मेजोरिटी किसका हिस्सा, इंडिया का हिस्सा, दिल्ली मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया का हिस्सा, एंड देयर सो मेनी सिटीज जो है, जहां पर कश्मीर का डिस्प्यूट आपके सामने, बिला वजह का डिस्प्यूट, कश्मीर बिल्कुल पाकिस्तान होना चाहिए। खैर तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो जहां पर मुसलमान आबादी वो क्या बन गया, जहां पर मुसलमान आबादी वो बन गया पाकिस्तान। अब उनकी पॉलिसी क्या थी 1857 से 1947 तक, जहां मुसलमान आबादी है वहां कोई स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं, कारखाने नहीं, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डेवलपमेंट, नो इलेक्ट्रिसिटी, फाउंडेशन सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। यही वजह बनी कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक इकोनॉमिकली कमजोर मुल्क रहा इंडिया के मुकाबले, ठीक है ना, क्योंकि हमें मजीद ज्यादा मेहनत करनी थी अगर हम इंडिया के मुकाबले अपने आपको डेवलप करना चाहते। ये चीज हमें वैसे में मिली, इसमें पाकिस्तानियों को कोई कसूर नहीं है। दरअसल हमारे साथ क्या हो गया, चीटिंग हो गई हमारे साथ, धोखा हुआ, हमें धोखा दिया गया, हमें जानबूझकर हमें जो है ना मजीद जो है वो कमजोर से कमजोर किया गया बेसिकली। अब यही एनर्जी क्राइसिस अब आ जाते सवाल के ऊपर। तो एनर्जी क्राइसिस जो है हमारे यहाँ क्यों है पाकिस्तान के अंदर, कुछ हेडिंग इसमें लिखी हुई, कुछ हेडिंग मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। आई वॉन्ट यू टू बी अ सेल्फ राइटर। मैं क्या समझता हूँ कि बीकॉम लेवल का जो बच्चा होता है ना वो रेटाफिकेशन नहीं कर सकता, और जाहिर है मैं कक्षर से बीकॉम पार्ट टू को पढ़ा रहा हूँ, बालवीं से पैदा होने लगे हैं तो दो चार बार से पैदा हो गए, बचपन से पढ़ा रहा हूँ बीकॉम पार्ट टू, ठीक है। तो मेरा तो यही तजुर्बा है कि तरीका यही है कि आपने खुद लिखने के जो स्किल्स हैं वो आपने डेवलप करने, लिखने के स्किल्स कैसे डेवलप होंगे एक हफ्ता दूंगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं चीज़ आपको आज बताऊंगा आप उस पर अमल भी करेंगे, और आई विल बी वेटिंग जो बच्चे दे रहे हैं मुझे काम सेंड करें, तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और यकीन करें परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे ना 60% की होती है, क्योंकि टीचर तो सबको पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे जब तक अपने एंड पे काम चीज़ें नहीं करते जब तक वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो एनर्जी क्राइसिस किस तरह हुआ जी, क्यों, रीजंस क्या थे। जब सिविलाइजेशन जो है भारत बढ़ चुकी काफी ज्यादा अरसे से, हजारों सालों से, अगर हमारे आबाओ अजदाद को देखा जाए तो होता यह था कि अगर किसी के घर में बिजली आ भी रही होती थी सारी लाइटें शाइटें बंद करके गर्मी 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 है, घर के बाहर पलंग डाले और सब बैठ गए। अब क्या हुआ जी, आमने सामने घर होते हैं ना, हर घर वालों ने सबने बाहर आ गए, सबके सब पूरे मियां बीवी बच्चों समेत घर से बाहर पलंग डाले हैं और कचेरियां लग रही हैं, सारे मर्द एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, खवातीन एक साथ बैठी हुई बातें कर रही हैं, बच्चे एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ठीक है ना।
ये पहले का माहौल था, वो कहीं पे भी भूख लग रही किसी के भी घर जाकर खाना खा लो कोई इशू नहीं होता था, यानी कि वक्त के साथ साथ चीजें जो है ना बहुत ज्यादा चेंज हुई। अच्छा जी, सो दिस इज व्हाट बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस हुआ। क्या पहले तो ट्रेंड ये था, अब क्या है, अब के कोई किसी से घर नहीं जाएगा, पलंग तो खत्म ही हो गए, अल्लाह माफ करे। अच्छा अब क्या, नहीं भाई फला से बात करिए, पता नहीं कौन है, क्या है, क्या नहीं है, मैं उस किसी से भी आपको बात करने की जरूरत नहीं, मैं किसी से बात करूं घर वाले बोलते नहीं, अब्बू बोलता नहीं बेटा बात करने की जरूरत नहीं, छोड़ कम गुफ्तगू क्या करो, बिला वजह अनजान लोगों से बात नहीं करें, क्लोरोफॉर्म सुखा के कोई ले जाए, लाओ भी इतने ला के कुछ आजकल क्या है, बड़ा दिखते खराब यू नो, और मासूम स्पेशली अगर है बच्चे तो बिल्कुल। खैर तो हालात क्या हो चुके हैं, चेंज बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, अब हर बंदा घर में रहता है। अच्छा अब घर के अंदर की बात करता हूँ, घर के अंदर क्या होता है, हर कोई अपना अपना वाईफाई लेकर बैठा हुआ है, अलग 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 कमरों में, चार कमरे हैं, चार बंदे हैं, चारों अलग अलग कमरों में वो है, उनका मोबाइल है और वाईफाई, उनकी जिंदगी में आजकल रिश्तेदारों से भी ज्यादा चीज की अहमियत की चीज की बढ़ गई वाईफाई, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है जी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, इंस्टा पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ करे मुझे तो पता भी नहीं सारा, जाहिर सी चीजें तो मैं भी यूज करता हूँ, यूट्यूब स्पेशली मुझे बड़ी पसंद है अपने काम की चीज, वहां पर आप हर वक्त निकाल सकते। खैर अब हुआ क्या, अब हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंखा चाहिए, पंखा पंखा लाइट नहीं आ रही तो उसका हमने दूसरी चीज क्या रखी है, दूसरी चीज हमने रखी है, अब हुआ क्या, हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि बिजली के बगैर आप गुजारा नहीं, क्यों, क्योंकि मोबाइल चार्ज कैसे होगा, बिजली नहीं होगी तो वाईफाई कैसे चलेगा, ठीक है ना, अब जूसर ब्लेंडर का किचन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया, सिल बट्टा फेंक चुके हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भी हर जगह अब अमेरिकन किचन होते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वो भी बिजली से चलता है किचन में भी, तो बिजली के बगैर अब गुजारा नहीं है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बिजली की डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा होता गया, हर आप एक जमाने में बच्चों बच्चे जब पैदा हो गए 20-20 साल के हो जाते थे, उन्होंने कभी जिंदगी में अपने एसी देखा नहीं होता था, आज क्या सिचुएशन है, आज हर घर में एसी मौजूद है, सही, तो बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, वक्त के साथ साथ क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज्यादा गैप आ गया, वक्त के साथ साथ बिजली की जो डिमांड है उसकी मुसलसल इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है, ठीक है जी, अब तो गाड़ियां भी बिजली से चलेंगी, बिजली की जरा आप डिमांड में देखिएगा क्या होगा, क्योंकि गैस खत्म हो जाएगी, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, बिजली पर गाड़ियां चला करेंगी, तो बिजली की तो डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन व्हाट अबाउट सप्लाई, देखिए ना अब डिमांड मुसलसल सप्लाई अपनी जगह पर है, डिमांड बढ़ रही है, 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 सप्लाई अपनी जगह पर है, डिमांड बढ़ रही है, अब डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो है ना वो गैप आ जाएगा बहुत ज्यादा, और दिस गैप इज व्हाट एनर्जी क्राइसिस, इन इस गैप को क्या कहते हैं, एनर्जी क्राइसिस कहते हैं, तो पहला जो रीजन आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, देयर इज अ रीजन दैट इज अ बिग गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एक रीजन हो गया, दूसरा इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन ट्रेंड, आपको पता है जो हमारे सांसदान जब इन्हें वोट लेने होते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं ये मोहल्ले मोहल्ले फिरते हैं और हर मोहल्ले में जाकर ऐलान करते हैं जी हम इस गांव को शहर का दर्जा दे रहे हैं, आप लोगों को मुबारक हो, बस आपने हमें वोट देना है, और भाई यानी कि किसी गांव को जब शहर का दर्जा दिया जा रहा होता है, जब किसी गांव को शहर का दर्जा दिया जा रहा होता है तो उसकी बहुत सारी चीजें उसी हिसाब से चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना, क्या किस तरह किस हिसाब से चेंज हो जाती हैं, यानी कि एक गांव का हक गवर्नमेंट की नजर में कम होता है और एक शहर का हक जो होता है गवर्नमेंट की नजर में वो ज्यादा होता है, तो गांव का हक कम है जबकि शहर का क्या है ज्यादा है, तो बिजली का भी गांव का हक कम है और शहर का ज्यादा है, अब बिजली बंद तो ज्यादा नहीं रही है, सप्लाई तो उसी की जब उसी जगह पर कॉन्स्टेंट है, अब जब जो इंक्रीज आ रहा है डिमांड में और आप उठा के आपने गांव को शहर बना दिया और वहां पर बिजली आपने ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर दी, तो आप दूसरी जगहों को बंद करके 2 घंटे नॉर्थ कराची में बंद, 2 घंटे गुलशन में, 2 घंटे एपी एरिया, नलुके, 3 हट्टी, सारी चीजें बंद, वहां दूसरी जगह पर आपने घरों में और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर आपने वही बिजली सप्लाई करना शुरू कर दी, जिस वॉट एनर्जी क्राइसिस, शहर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी वजह है कि पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो अर्बन जब आप करते जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, एक तो हमने गांव को शहर का दर्जा दिया, हम शहर बढ़ा रहे हैं, गांव कम करते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ
और जब हम शहर बनाते हैं उनको हम उस शहर के दर्जे पर लेके जाते हैं, शहर के दर्जे के हिसाब से खर्च होता है, तो खर्चा भी बढ़ रहा है और बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। आज आगे आ जाते विलेजेस इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी, हम घर घर में गांव गांव बिजली पहुंचा देंगे। जब हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे तो शहर में बत्ती तो गुल हो जानी है ना, क्योंकि आप बिजली सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं रहे। जब सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ नहीं रही है और अगर आप डिमांड मुसलसल बढ़ा रहे हैं, जब सप्लाई बढ़ नहीं रही और डिमांड अगर आप बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन, ये डिमांड पूरी कहां से होगी? डेफिनेटली आप कहीं और से बत्ती गुल करेंगे ना। तो ये भी इसको बताया गया कि विलेजेस इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी भी इसका रीजन है। नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है जी, सिंस लास्ट डिकेड द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल हैव बीन इंक्रीज्ड। अब क्या हो गया जी, व्हीकल्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अब इसमें नंबर्स जो दिए हैं और जो कि अब बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, आज करोड़ों से ऊपर मैं समझता हूँ कि गाड़ियां हमारे मुल्क के अंदर, और 70 लाख मोटरसाइकिल तो कराची में गया था, मैं तो सोच के खौफ आता है। मतलब जरा सोचो तो 70 लाख मोटरसाइकिल है जिसमें से 35 से 40 लाख के बारे में ये कहा जाता है कि हर वक्त रोड पर ही होती है, वो चलती रहती है, मतलब मोटरसाइकिलें जो है, ठीक है ना। अब ऑयल एंड गैस और इन तमाम चीजों की जो कंजम्पशन में क्या हो गया, इजाफा हो गया, ठीक है ना। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें वो लोग जो सुबह जाते हैं जॉब पर और शाम में वापसी आते हैं, उनको हमने मोटरसाइकिल से शिफ्ट करके हमें उनको बस पर जरूर लाना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमारी जगह भी कम गिरेगी, ट्रैफिक भी हमारा कम होगा और ऑयल वगैरह का कंजम्पशन उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। अब उन्हें हम लाएंगे कैसे, ठीक है ना, उनको मतलब एक मेट्रो बस जैसा कि आप देख रहे हैं सुल्तानी टाउन से लेकर और ये टावर तक के लिए जो की गई है, तो दिस इज समथिंग वंडरफुल, ये कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे ऊपर कि जब मेट्रो बस चलने लगेगी, बहुत सारे लोग जितनी दूर कराची से टावर या क्लिफ्टन की तरफ जाते हैं वो 20 रुपये देकर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में टावर पहुंचेंगे बस के जरिए। तो कोई अगर मुझे 20 रुपये में 40 रुपये में अगर बहुत जल्दी अगर कोई बस पहुंचा रही है उसी जगह पर, मैं बैठ के आराम से सुकून से जा रहा हूँ, तो व्हाई शुड आई राइड अ मोटरसाइकिल? मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? दो पहियों की सवारी वैसे इतनी खतरनाक होती है, मैं क्यों उसको मैं यूज करूंगा? तो ये है कि इससे बड़ा फर्क पड़ेगा मैं समझता हूँ, और गवर्नमेंट बाहरली इस चीज़ को समझती है, हमारे यहाँ चीज़ों को गवर्नमेंट डेफिनेटली समझती है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग हमारी गवर्नमेंट में नहीं, बात यह है तो बहुत सारे पढ़े लिखों को काम नहीं करने दिया जाता और फिर जो काम करते हैं करप्शन देयर सो मेनी रीजंस की जिसकी वजह से ये हालात बार बार खराब होते आगे बढ़ते। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बाद है ऑल्टरनेटिव हैव नॉट बीन सॉर्ट आउट सीरियसली, यानी कि हमारे यहाँ जब तक मुसीबत आ नहीं जाती ना सर पे, तो उसका हम हल तलाश नहीं करते जब तक वो मुसीबत बिल्कुल सर पर आकर हमारे थपेड़े मारना शुरू ना करते, ठीक है जी। अभी करंट एग्जाम्पल हम देते हैं, इस वक्त जो है पूरा का पूरा बंद है ना सारा, पूरा का पूरा बंद क्या है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी की सारी बंद है, ठीक है जी। जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारे की सारी बंद हैं तो पहले बंद होनी चाहिए, अब क्यों बंद है? जब घुस गया अंदर आके कोरोना आपके मुल्क, फिर आपने बंद कर दी, पहले से बंद कर दी थी ना। कहा जा रहा है कि जब से कोरोना चल रहा है 9 लाख लोग आए हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मकाम पर आए हैं और वो घुसे हैं। अब होता क्या है, एक मौका पर बताऊँ, सईद गनी साहब जो उनको कोरोना वायरस हुआ तो उनको पता ही नहीं चला, सही भी होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव भी होगा और पता ही नहीं चला, उनको कोई सिम्टम भी उनको नहीं हुआ। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारा तो जब सर पे पड़ती है तो चीज़ों को देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन होगी पहले ही, मतलब बुरा वक्त आने से पहले अगर इंसान प्रिकॉशन कर ले तो वो बेहतर होता है, इससे पहले कि बुरा वक्त आए फिर आप करें। तो इसी तरह यही हुआ बिजली के अंदर भी कि ऑल्टरनेटिव हमने देखा नहीं, जब तक हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी का जो हम बना रहे थे जब तक वो ख़त्म नहीं हो गई हमारी और दुनिया पूरी पाकिस्तान चलाने नहीं लगा बिजली के हवाले से, तब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके हवाले से कोई ऑल्टरनेटिव सॉर्ट आउट नहीं किया। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो इस पर बहरहाल काम हुआ, सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, हाइड्रल एनर्जी को भी जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मैं देख रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा किया जा रहा है, लेकिन दिस नॉट इनफ। अच्छा तो ये 5 जो है ना इसके अंदर है, अच्छा कुछ इसके अंदर नहीं भी है, ठीक है ना। अब जो नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल ग्रिड सिस्टम, ये हमारे एनर्जी क्राइसिस की वजह भी है। सेंट्रल ग्रिड सिस्टम, सेंट्रल ग्रिड सिस्टम क्या है, पूरा एक नेशनल ग्रिड है हमारा जिसमें तमाम के तमाम ग्रिड स्टेशन हमारे आपस में मिलते हैं और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पूरी सप्लाई,
मिसाल के तौर पर अगर क्वेटा में कुछ पिछले दिनों बहुत हालात खराब थे, अब कोई टेररिस्ट आकर ग्रिड स्टेशन पर कोई बम रख के फाड़ के चला जाता है, अब वो तो बम रख के फाड़ के चला गया क्वेटा में, लाइट कहाँ की चली गई? पूरे पाकिस्तान की चली गई, लोग पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया। तो इस चीज का बड़ा नाजायज फायदा उठाया गया टेररिस्ट की तरफ से, वो लोग जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, गैर मुल्की एजेंसीज वगैरह, इन्होंने इन चीजों का बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि कमजोरी जहां पर नजर आती है वहीं पर जो है ना वो अटैक किया जाता है। ठीक, तो ऐसा बार हमारे साथ होता आ रहा है मुसलसल काफी टाइम से। ठीक, तो नेशनल ग्रिड सिस्टम इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। वी बिलीव के जो है नेचुरल ग्रिड की वजह से क्या होता है, सेंट्रल सिस्टम होता है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, कराची से वो तार आ रहे हैं कहाँ तक, कराची से कोयटा जा रहे हैं, कोयटा से पेशावर जा रहे हैं, कोहाट, और पूरे पाकिस्तान में वो पूरा का पूरा सिलसिला जो है वो घुमा हुआ है। ठीक है ना, अब उससे क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगहों से वो तार जा रहे हैं जहाँ बियाबान जंगल है, कोई बंदा वहां नहीं रहता। अब जहाँ कोई बंदा नहीं रहता तो कोई फौज तो नहीं खड़ी कि भी हमने तारों के ऊपर के तार आए हमारे कोई चोरी करके ना ले जाए। तो होता क्या है कि टेररिस्ट या कोई भी चोर डकैत आते हैं, तो पूरा सिस्टम बनाते हैं कि भाई आधे घंटे में पूरा प्लान करना है, आधे घंटे के अंदर अंदर वो बहुत लंबी तवील तार तांबे की जो होती है, जो कई करोड़ रुपए की तार होती है, वो काटते होंगे ले जाते हैं अपने साथ। लो जी, क्या हुआ, अब वो पहले तार जुड़ेगी, फिर यूँ होगा, ये होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन पैदा हो जाएगी, हमारी जाया भी हो जाती है। फिर कुंडे वगैरह का सिस्टम, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं। तो मैं तो हैरान रह गया, एक मैं इलाके में गया, नाम नहीं बताना चाहूंगा, मैं एक इलाके में गया तो पूरा का पूरा इलाके में किसी के भी घर पर मीटर नहीं था, और पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बिजली पर चल रहा, उस पे कुंडे पर चल रहा, पूरा इलाका कुंडे पर चल रहा। बहुत सारी कच्ची आबादियां जो है कराची की स्पेशली मैं कहूंगा कि ऐसी हैं जहां पर बगैर वो देते हैं। तो करप्शन, करप्शन इज ऑल्सो रीजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो ये एक हेडिंग मैंने नेशनल ग्रिड बताई, वो एक और हेडिंग मैंने करप्शन बता दी। ठीक है ना, अच्छा करप्शन होती क्यों है, करप्शन की वजह हमेशा अकाउंटेबिलिटी रही है। अगर जो बंदा करप्शन कर रहा है, हमने उसको पकड़ के उसको हमने एक मिसाल बना दिया ना, अगर हमने उसको एक मिसाल बना दिया कि देखो हमने करप्शन की, हमने इसको कैसे इसकी हालत हमने टाइट कर दी है, तो जो आने वाले वक्तों में नए करप्ट लोग जो उभर रहे होंगे उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हो गए कितनी हेडिंग है, पांच इसमें तीन में होता है, तो आठ हेडिंग अगर आप कर लें तो ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा तो हेडिंग कितनी होनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले सोच रहा हूँ, ढाई आपके रजिस्टर के 2.5 पेजेस, और मैक्सिमम अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 3 पेजेस, इससे ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर ये सवाल जो है हमारा ये भी अलहमदुल्ला कम्प्लीट हो गया। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जाने। अगला सवाल है हमारा, व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस के जो है ना सॉल्यूशंस क्या है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सिलेबस है ना हमारा पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस है हमारा इसका। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम कोई प्रॉब्लम पढ़ेंगे और फिर हम उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन। थोड़ा सा मैं सवाल के बारे में बताता हूँ आपको, जो अगला हमारा सवाल है कि जो एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं मुसलसल हम एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सॉल्यूशंस, के किस किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। अच्छा जी, अब अगर कोई सवाल 6 पेजेस पर जा रहा है उसको आपको शॉर्ट कर लें, हेडिंग ही काटने होगा। ठीक है ना, हर हेडिंग में आपके रजिस्टर 4 लाइनें हैं, 4.5 लाइनें इनफ, 5 मैक्सिमम, इतनी लाइन इनफ। हेडिंग कितनी लें, 8 ले लें, 9 ले लें या 10 ले लें, 10 से ज्यादा हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से सबसे पीडीएफ शेयर किया था जिसमें 15 हेडिंग्स थी, तो 5 उसमें से आपने नहीं करनी थी, मैंने क्लियरली कहा था कम से कम 5 जो छोड़ दो, दिल करे तो 6 भी छोड़ सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप जरा ख्याल करें। अगला सवाल जो हम पढ़ेंगे ना, ये रेमेडीज वाला, तो इसमें हम क्या बताएंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। ठीक
या हमें प्रॉब्लम क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या है। अब देखें पहला सोल्यूशन, बेहतरीन सोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ काला बाग डैम। क्या करें जी, काला बाग डैम बनाइए। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ काला बाग डैम शुड बी टेकन एज अर्लियर एज पॉसिबल। अब हुआ कि हमारे एक जज आए थे, अल्लाह उनको जल्द नसीब करना, कि उन्होंने कहा कि हम डैम बना के रहूंगा, ये डैम का पैदार बन जाएगा। पर अल्लाह ही दिलों का हाल जानता है, अल्लाह जानता है कि वो कितने सच्चे थे अपनी बात। लेकिन काला बाग डैम एक वो डैम है जिसका पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने काला बाग डैम का नाम ना सुना। आप में से हर एक बंदे ने काला बाग डैम का नाम सुना। तो मेरा सवाल ये कि काला बाग डैम किस ईयर में इसका प्लान बनाया गया, कब इसका संगे बुनियाद रखा गया। ठीक है जी, ये मेरा आपसे सवाल है, काला बाग डैम कब बनाया गया और कब जो है इसका संगे बुनियाद। इस सवाल पर फिलहाल हम आज की बात रोकते हैं। ठीक है जी, कोई भी सवाल अगर आपका हो किसी भी चीज से रिलेटेड, अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। इस सवाल को मजीद कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।